हेलो गाइस, कंटिन्यू कर दें जी अपना लेक्चर। अपन डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेन प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिदे विच अपन डिस्कस किया सी वी एक ट्रेन है एक आदमी नू, एक दरखत नू, एक पोल नू, यानी कि खंभे नू पार कर दी है, ठीक है, या फिर पार कर दी एक प्लेटफॉर्म नू कह लो, एक टनल नू कह लो, या फिर कोई पुल है या ब्रिज है, इस तरीके की चीजा नू पार कर दी है, ठीक है। जो ट्रेन पार कर दी है किसी बंदे नू, ठीक है जी, खड़े बंदे नू, किसी पोल नू, ठीक है, किसी खंभे नू या दरखत नू, तो ये चीजा की लंबाई जो कि होंगी है ट्रेन के सामने आप जीरो कंसीडर करते होंगे, ठीक है। तो मतलब कि जो ट्रेन इन चीजा पार करती है तो उत्थे आप इन्हों की लंबाई में जीरो रखते हैं, तो ट्रेन जो इन चीजों पार करती है तो ट्रेन यानी कि खुद की लंबाई में पार करती है। तो इतने आप डिस्टेंस की मेजर करते हैं कि डिस्टेंस थोड़ा की होंगे, दूरी की होंगी है, जो पार होंगी है वह पार होंगी है ट्रेन की खुद की लंबाई, उसके बाद ट्रेन की स्पीड होंगी है कि समा लेगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन से इस तो बाद अपने डिस्कस किया कि ट्रेन पार कर दी किसी प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म में पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म छोटा नहीं होगा, खुद की एक लंबाई होगी, ठीक है। किसी पुल में पार कर रही है तो पुल की भी एक लंबाई होगी, ठीक है। तो जो इन चीजों पार कर दी है ट्रेन, तो ट्रेन जो इन पार कर दी है तो ट्रेन अपनी लंबाई के नाल इन पुल की लंबाई या ब्रिज की लंबाई भी की करती है, पार करती है। तो इतने थोड़ा डिस्टेंस की होंगे सी ट्रेन की लंबाई ते पुल की लंबाई, जो भी चीज है, ब्रिज है, ट्रेन अपनी ब्रिज है, चाहे थोड़ा की है जी अपना पुल है, टनल है, कुछ भी गुफ है, तो उन्होंने लंबाई होंगी है, तो उन्होंने लंबाई तो ट्रेन की लंबाई दोनों आपस से जुड़ जाती है ने, तो ट्रेन फिर मतलब कि इतने दूरी कितनी तय करती है, इन्होंने दोनों दी लंबाइयां तय करती है, ठीक है जी। तो ये आप प्रीवियस लैक्चर के डिस्कस कर चुके हैं, इसका एक क्वेश्चन आप देख लेने, इसके बाद आप डिस्कस करा भी जदों ट्रेन पार करूगी मोशन वाली चीजा, ठीक है, भाव कि जिमें पहला बंदे नू, खड़े बंदे नू इन्हें पार किया, हुण पार करूगी चलते हुए बंदे नू, जो बंदा अगर चल रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है। तो मोशन वाली चीजा पार करूगी, ट्रेन एक होर दूसरी चलती हुई ट्रेन नू पार कर रही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन नू अज आप डिस्कस करांगे, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आप डिस्कस कर लें, थोड़े प्रीवियस लैक्चर के नाल रिलेट कर दें भी, 490 मीटर लंबी रेलगड्डी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के नाल 210 मीटर लंबी गुफा नू किन्ने समय विच पार करेगी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी है जी, ट्रेन की लंबाई हैगी है अपने कोले 490 मीटर, ठीक है जी। ते जो गुफा है, गुफा की लंबाई है, गुफा की लंबाई अपने कोले है 210 मीटर, ते ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की जो चाल है आपानू दित्ती हुई है जी, ट्रेन की चाल है 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हुण देखो जो ट्रेन ने पार करना है गुफा नू, ते जो ट्रेन मतलब कि किसी गुफा नू पार करूगी, मान लो ये तुहाडी जो गुफा है इसनू पार करना, तो ट्रेन जो इसनू पार करूगी, इधरों ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन ने गुफा नू पार करना कदों शुरू किया, इत्थे जदों कि इहदा इत्थे पॉइंट है, तो तुहाडी ट्रेन का इंजन बिल्कुल इत्थे है, ठीक है जी। तो अपनी ट्रेन की होगी इत्थे शुरू होगी, तो जो इन पार करना ही शुरू करूगी, तो इस पार करती करती इस तरीके के ना जो इसका लास्ट पॉइंट ट्रेन का लास्ट पॉइंट ब्रिज के लास्ट पॉइंट तक जो कि हो जाएगा इन क्रॉस करूगा, उदों तुहाडी की होगी जी ट्रेन प्रॉपरली की होगी ब्रिज न पार करूगी, ठीक है। तो जो इसका लास्ट वाला जो है डब्बा है इतने पहुंचूगा उदों की हो जाएगी जी ट्रेन इसनों पार करूगी, ठीक है। मतलब फिर इतने की है ट्रेन ने लंबाई किन्नी दूरी में तय किया, इतों शुरू किया, इतने जाके खत्म होया, तो इतने तुहाडी की होगी ट्रेन की पुल जो डिस्टेंस हो गया जी, वह चीजा की बनिया, तुहाडा पुल या फिर ब्रिज जो भी गिवन है, तो ट्रेन की लंबाई दोनों की लंबाई में की कर रही है ट्रेन पार कर रही है, ठीक है। तो फिर इतने अपना डिस्टेंस की बन गया, यानी कि जो दूरी ट्रेन ने पार करनी है वह होगी जी ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई, ये दोनों चीजा की हो गई ज्वाइन हो गई आपस में जुड़ गई, इन्नी लंबाई में ट्रेन ने पार करना, ठीक है। मतलब कि फिर कि हो गया अपना 490 प्लस 210, 490 प्लस 210 का टोटल 700 मीटर की दूरी की करना जी ट्रेन ने तय करना, ठीक है। तो डिस्टेंस दूरी कि बराबर होंगी है, दूरी बराबर होंगी है समा गुणा चाल,
समा गुना चाल कह लो, जो चाल गुना समा, ठीक है। हुण दूरी आपां नूं पता भी किन्नी तय करनी है, 700 मीटर तय करनी है। समा आपां ने पता करना है, ठीक है जी, किन्ना समा होगा टाइम। तो स्पीड मैंने किन्नी दिती हुई है, 63 किलोमीटर पर आ। हुण जो मैं दूरी है वो तय करनी है मीटर दे विच, ते मेरी जो स्पीड है वो कहाँ से दिती हुई है जी, किलोमीटर च। यानी कि यदि पहला मैंने यूनिट्स वगैरह सेम करनी पैनी है, किलोमीटर पर आ रहा है इतने डिस्टेंस जो कि है मेरा मीटर च। जे किलोमीटर च होंदा फिर कुछ भी चेंज करन दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर ते अपना जो समा सी घंटे विच निकल के आ जांदा। पर हुण इत्थे की है जी, मैनूं बैलेंस करना पऊ, जां तां मैनूं इहनूं किलोमीटर च कन्वर्ट करना पैना या फिर मैनूं इहनूं मीटर पर सैकंड दे विच बदलना पैना, ठीक है जी। तो किलोमीटर नूं जदों मीटर पर सैकंड दे विच आपां बदलदे आं तां गुणा करदे आं किहदे नाल, वड्डी यूनिट तों छोटी यूनिट वल जाणा तां गुणा करदे आं आपां 100 इनू कट के आ गया अपना 20, तो मेरा आ गया 40 seconds। हुण जो मैं इसनू चेंज किया मीटर पर सैकेंड, ठीक है, 5/18 के नाल गुणा करके मेरा जो स्पीड है काश बदल गई सी मीटर पर सैकेंड, तो जो ये 40 आया वो मेरा की निकल के आया जी, सैकेंड निकल के आया, ठीक है। तो 40 seconds की हो जूगी मेरी ये पूरे का पूरा डिस्टेंस कवर हो जूगा, यानी कि तय हो जूगा ट्रेन के द्वारा, ठीक है जी। इससे बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल। जो कि हो चीजा मोशन दे विच होनिया, हुण इत्थे अपना जो होएगा इस तो पहला आपां डिस्कस कर लें कि रैलेटिव स्पीड भी, जो मैं तुहानूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर कीता सी, आपां रैलेटिव स्पीड नाम दी इक जो कि स्पीड नूं समझिया सी, रैलेटिव स्पीड नूं समझिया सी, ठीक है। रैलेटिव स्पीड की हुंदी है जी, कि जदों चीजां की हुंदियां ने सेम डायरेक्शन च जाण उदों उहनां दी रैलेटिव स्पीड की हुंदी है। पहली गल तां रैलेटिव स्पीड दा मतलब कि जदों दोनों दीआं दोनों चीजां की होणगियां सोगियां मोशन दे विच होणगियां, इधरों तुसीं चल रहे हो इधर कोई नाल होर भी चल रहा है, तां दोनों चीजां कि ने मोशन च ने एक दूसरे नूं किन्ने समें विच पार कर जाणगियां, ठीक है। तां रैलेटिव स्पीड दे दो अपने बनदे ने, जदों चीजां की होण इको दिशा दे विच जा रहीआं होण तां दोनों चीजां की एक दूजे दे उल्ट दिशा दे विच जा रहीआं होण, ठीक है। हुण जदों दो चीजां की करनगियां एक दूजे दे या कह लो एक दिशा दे विच जांदियां ने, जदों ऑब्जेक्ट्स की हुंदे ने जी अपने सेम डायरेक्शन दे विच मूव करन, यानी कि हुण जो मेरी एक ट्रेन है वह भी इधर नूं जा रही है ते दूसरी ट्रेन भी इधर नूं जा रही है, ते जदों की होणगियां इह ट्रेन्स की करनगियां सेम डायरेक्शन दे विच जांदियां ने, सेम डायरेक्शन च जदों चीजां जांदियां ने तो उन्हां दी स्पीड्स की हो जांदियां ने, माइनस हो जांदियां। जिहदी स्पीड ज्यादा है वह की करूगी घट स्पीड वाली नूं की कर दूगी, उहदे नाल माइनस हो जूगी ते उह जल्दी उसनूं पार कर जूगी, ठीक है। हुण मान लो तुहाडी जिहड़ी हैगी है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही है, तो दूसरी ट्रेन जो है 70 की स्पीड दे नाल जा रही है, तो जदों एक दूजे नूं पार करनगियां तो 70 की स्पीड वाली जिहड़ी हैगी है वह मान लो हुण इन्होंने इकट्ठिया ने चलना शुरू किया, तो जदों इहनूं पार करना शुरू करूगी जी तो 70 वाली ऑब्वियसली जल्दी पार करूगी क्योंकि उहदी स्पीड ज्यादा है, तो 70 वाली 63 वाली नूं की करूगी पार करूगी, ठीक है। तो फिर ये जो इसमें पार करूगी जी, तो जो इसका लास्ट पॉइंट की हो जूगा बिल्कुल आ ट्रेन के मुंह कोले हो जूगा, तो उदो की होगी ट्रेन पार हो जूगी। मतलब कि इतने भी की होगा जो थोड़ा टोटल डिस्टेंस की निकल के आऊगा, जो ट्रेन ने पार करना है तो की हो जूगा इन्हों लेंथ भी की हो जाएगी आपस जुड़नगियां, ठीक है। तो ट्रेन ने जो इन पार करना है अपनी लंबाई के नाल दूसरी ट्रेन की लंबाई के नाल उसने खुद की लंबाई में भी पार करना है, तो ओबियसली जी चीज की होगी स्पीड के नाल जाऊगी वध स्पीड के नाल, उही दूसरी चीज में की करूगी ओवरलैप करूगी उसनू की करूगी जी पार करूगी, ठीक है। तो हम जो दोनों चीजा की जा रही ने सेम डायरेक्शन जा रही ने, तो इतनी स्पीड्स की हो जानी जी रैलेटिव स्पीड की निकल के आऊगी अपनी जो होगी जी थोड़ी 3 किलोमीटर यानी कि प्रति घंटा, मतलब कि 70 दे विचों सॉरी 9 होगा जी 7
70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 63 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ 63 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਧਰਲੀ ਵੈਲਿਊ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 63 ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 70 ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 1 63 ਆ ਰਹੀ 1 70 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਪੀਡਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਇਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 133 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ क्वेश्चन है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही 120 मीटर लंबी रेल गड्डी उसी दिशा विच 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल भज रहे व्यक्ति नू किन्नी समय दे विच पार करेगी ठीक है मतलब कि एक ट्रेन है जिसकी क्वेश्चन लिख लेने चलो पहला एक ट्रेन 120 मीटर लंबी ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल उसी दिशा विच भज रहे व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल व्यक्ति की जो स्पीड है जी जो कि 9 कितने समय विच पार कर जाएगी ठीक है जी हुण तुसी इस चीज नूं फील भी किया होगा कि जदों दो चीजां की हुंदियां ने सेम डायरेक्शन दे विच जांदियां ने तां इन्हां नूं जदों देखोगे तुसी बिल्कुल हौली हौली बड़ा ही घट डिस्टेंस एक दूसरे के नाल की होंगे पार हो रहा क्योंकि ये चीज भी मोशन च है ये भी तो बहुत तो थोड़ा डिस्टेंस की होंगे ये पार कर रही होंगे ने तो इन्हों मतलब कि तुम देखोगे तो टाइम लगता होंगे पर वही जो चीजें की होंगे ने दो ओपोजिट डायरेक्शन च होंगे ने तो बहुत ही जल्दी की होंगे ने वो चीजें की हो जाए ने गियाँ एक दूजे को पार कर जाए मतलब कि जो दो चीजें एक दूजे को जल्दी पार कर रही ने फिर उन्होंने स्पीड्स की हो जाए ने प्लस हो जाए ने तो जो इतने ध्यान दोगे अगर तो फिर इतने थोड़े की होंगे स्पीड तो माइनस होंगे जो दो चीजें माइनस होंगी तो बहुत ही जी तेजी वाली होंगी बहुत ही हल्की हल्की की कर दी है मूव कर दी है क्यों क्योंकि इन्होंने स्पीड्स इतने की होंगे माइनस हो जाए ने दोनों चीजा मोशन के ठीक है हूँ जो व्यक्ति है जी कहते थोड़ी ट्रेन है जो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के नाल जा रही है तो इस दिशा के एक व्यक्ति है जो कि जा रहा है जी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के नाल ठीक है फिर इतने जो ट्रेन ने पार करना हूँ बंदा आ गया तो बंदे की लंबाई तो कुछ है ही नहीं है ठीक है उसकी लंबाई आप कंसीडर कर दें जीरो ही कंसीडर कर दें तो जो इतने ट्रेन ने पार करना व्यक्ति यानी कि उसने खुद की लंबाई में पार करना है ठीक है तो फिर इतने से दूरी की निकल के आई है जी दूरी निकल के आई है ट्रेन की खुद की लंबाई जो कि है 120 मीटर तो 120 मीटर ही ट्रैवल करना है ठीक है तो दोनों चीजें की ने जो सेम डायरेक्शन जा रही ने मतलब कि फिर की होगा जी जो दो चीजें सेम डायरेक्शन जा रही ने तो मेरी रैलेटिव स्पीड निकल के आऊगी क्यों क्योंकि दोनों ने दोनों चीजें की ने मोशन के पहला प्रीवियस लैक्चर डिस्कस किया खड़े बंदे पार करना पर इतने जो कि बंदा खुद चल रहा है तो वो चाल है ठीक है तो चाल है तो जो सेम डायरेक्शन जा रहा है तो स्पीड्स की होनी एक दूजे के नाल माइनस होनी है ठीक है तो फिर 62 के विच जो आप 8 माइनस करा तो मेरी स्पीड निकल के आई जी 54 किलोमीटर प्रति
घंटा, ठीक है। तो ये मेरी रिलेटिव स्पीड निकले, दूरी है मेरे को, स्पीड है मेरे को, मैं कटना टाइम। तो डिस्टेंस कि बराबर होंगे जी अपना स्पीड इंटू टाइम भी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना पार करना मैं 120, स्पीड मेरी हैगी 54 जी की दिती हुई है किलोमीटर के, मैं इन कन्वर्ट करना पेगा मीटर पर सैकेंड, क्यों? क्योंकि मेरे को दूरी मीटर के, इन भी तुम किलोमीटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। पर ईजी रह जूगा, तो इन जो मीटर पर सैकेंड बदलना, तो गुणा किया गया 5/18 के ना, 18 टीआ होंगे ने अपने 54, इन कट के आ गया 15, ठीक है। तो टाइम यह इधर गुणा का, तो उधर जाके हो गया जी भाग, तो 120 जो करेंगे 15 नाल डिवाइड, तो आ जूगा 8, यानी कि 8 सैकेंड की हो जूगी ट्रेन उस आदमी नू पार कर जूगी, ठीक है। पर इतने जो होंगे उल्टा, मतलब कि इधरों व्यक्ति आ रहा होंगे तो इधरों ट्रेन आ रही होंगी, तो स्पीड की हो जाने अं आपस के जुड़ जाने, ठीक है जी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के वाल चलते हैं। क्वेश्चन है 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल जा रही 165 मीटर लंबी रेलगड्डी, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल भज रही 165 मीटर लंबी रेलगड्डी सामने तो आ रहे सामने तो आ रहे 8 किलोमीटर की स्पीड के नाल चाल वाले व्यक्ति नूं किन्ने समय विच पार करेगी, ठीक है जी। कहते 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल जा रही 165 मीटर लंबी रेलगड्डी अपने सामने तो आ रहे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल व्यक्ति नूं किन्ने समय विच पार करेगी, ठीक है जी। हुण की हो रहा, ट्रेन इधरों आ रही है तो ये सामने तो व्यक्ति आ रहा है, तो दोनों चीजें की ने एक दूजे के उल्ट डायरेक्शन के विच ने, जो उल्ट डायरेक्शन ने तो मेरिया स्पीड्स की हो जानी है जी प्लस, तो मेरी रैलेटिव स्पीड की हो जूगी प्लस हो जूगी, दोनों स्पीड्स इन्हां दी आपस दे विच प्लस हो जाणी है, वह भी किलोमीटर च है, वह भी किलोमीटर च है, तो मेरा आ गया 66 किलोमीटर, ठीक है जी। तो यह आ गई मेरी स्पीड, उससे बाद मैंने दूरी दी हुई है पार करनी, अच्छा व्यक्ति ही पार करना, यानी कि ट्रेन ने खुद की लंबाई में ही पार करना, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 165 किलोमीटर, ठीक है जी। दूरी कितनी तय करनी है 165 किलोमीटर दूरी ही तय करनी है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होंगे स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस 165 पार करना है, अपनी स्पीड है 66 किलोमीटर च है, तो 5/18 हो गया, तो मेरा निकल जूगा इतों टाइम, ठीक है जी। हुण इहनूं अगर आप कैलकुलेट करिए 9 आ गया 33, 3 11, ठीक है जी। आ 3 उपर चल जूगा 165 गुणा 3, इधर आ गया 11/5, इहनूं जदों करांगे आप कैलकुलेट कर तुहाडा आ जूगा 15, ठीक है। 5 ने इससे कटे 3, तो पूरे 9 सैकेंड दे विच की कर जूगी ट्रेन इस आदमी नूं पार कर जूगी, ठीक है जी। इसके बाद वधदे हां नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। 126 मीटर अते 114 मीटर लंबिया दो रेल गड्डियां एक दूजे की ओपोजिट डायरेक्शन दे विच 30 दी स्पीड दे नाल ते 42 दी स्पीड दे नाल जा रही ने, इन्हां दे मिलन दे समय तो किन्ने समय बाद की करनगियां इह एक दूजे नूं पार कर जांदियां, ठीक है जी। दो ट्रेन्स ने, एक ट्रेन की लंबाई जो दिती हुई है, क्वेश्चन है मेरा क्रमवार 126 किलोमीटर सॉरी मीटर क्रमवार 126 मीटर अते 114 मीटर लंबिया दो ट्रेना दो रेल गड्डियां एक दूसरे दी उल्ट दिशा दे विच एक दूसरे दी
उल्ट दिशा दे विच क्रमवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा अते 45 किलोमीटर प्रति घंटे दी चाल दे नाल जा रही हैं। एक दूसरे नूं मिलन तो बाद यह किन्ने समय विच एक दूसरे नूं पार करने गया ठीक है जी। हुण एक ट्रेन है इधरली साइड तो आ रही है 126 मीटर दी है ना, तो उसकी जो चाल है क्रमवार का मतलब पहली जो 126 वाली है उसकी जो चाल कितनी है जी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसकी उल्ट दिशा दे विच आ रही है एक ट्रेन जिसकी लंबाई हैगी है 114 मीटर, तो इसकी जो चाल है वो हैगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम दो ट्रेन आ रही ने, एक इधरों आ रही है एक इधरों आ रही है। ठीक है जी, कहते जो ये दोनों आपस के मिलनगिया, हूँ जो कि आपस के मिलिया तो इतने जो ये आ गए तो इसका फेस इतने हो गया, दोनों आप ही हो गए आपस के मिल गई, तो जो मिल गई कहते पार किन्ने समय के कर जाएगियां। ठीक है, पार किन्ने समय में करनगियां ये दसनिया। हूँ मिलता है इतनी गई जो ए ट्रेन का इंजन इस ट्रेन के इंजन बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, पार करेंगे यानी कि जो इन्हों के एंड पॉइंट्स आपस के मैच करेंगे, मतलब कि आ ट्रेन इधर ते इधर वाली ट्रेन होगी जी इधर। ठीक है, आ की होगी इन्हों के एंड पॉइंट्स की होगी जो मैच करके, मतलब कि आपस के दोनों ने एक दूजे को पार कर लिया। तो जो पार कर लिया, आ मेरी 126 दी सी, ए वाली मेरी 114 सी, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है इन्होंने दोनों जोड़ के आ जाऊगा जी अपना, यानी कि आ गया मेरा 240 मीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी तय करनी है 240। ते दोनों चीजें की ने ओपोजिट डायरेक्शन ने, ताकि हो जानी स्पीड्स की हो जानी है आपस के प्लस हो जानी है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड की निकल के आऊगी मेरी प्लस हो जाएगी 30 + 45 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी मेरी रिलेटिव स्पीड निकल के आऊगी। ठीक है, मेरे को दूरी है, मेरे को स्पीड है, कढ़ना की है समा, क्यों इन्हें पूछा सी भी एक दूजे को मिलन तो बाद किन्ने जो कि कितने समय बाद की करनी है एक दूजे को पार कर जानी है। ठीक है, तो फिर दूरी कितनी तय करनी है जी, दूरी तय करनी है सारी 240 मीटर, ते जो मेरी स्पीड है वो हैगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब दूरी बटा समा सॉरी दूरी बटा चाल की निकले होगी मेरा समा निकल आऊगा। ठीक है, तो 75 किलोमीटर के विच है, तो इसको मैं कन्वर्ट किया मीटर पर सैकेंड के विच, तो मतलब कि मैं गुणा करना पड़ेगा 5/18 के नाल, कटिंग पॉसिबल 3 के टेबल से कटिया 25, 3 के टेबल से कटिया अपना आ गया जी 6। ठीक है, इससे बाद पॉसिबल नहीं है, तो दूरी कि बराबर आ गई अपनी स्पीड इंटू टाइम 240 पार करना है, स्पीड कितनी है 25 × 5, ये नीचे आ जाएंगे तो 6 आ जाएगा ऊपर, तो 6 अपना ऊपर चल गया, 25/5 की आ गया थोड़ा नीचे, तो वह अपना निकल आऊगा जी टाइम। इसमें जो पूरा कैलकुलेट करांगे तो कि आ जाऊगा 5 के टेबल से इसमें कटिया आ गया थोड़ा 4/8, इससे बाद कुछ कटिया वड्या नहीं जा रहा, तो 48 में किया 6 के नाल गुणा अड़ोशी कि हो जाऊगा अपना 48 × 4 = 24/25 कट के आ गया 1/31, उससे बाद बचे मेरे इधर जी 28/25 11.13 आजूगा 4, तो कुछ 11.4 सेकेंड अप्रोक्सीमेट कह लो 12 सेकेंड या 11.4 सेकेंड्स दे विच की हो जाएगी मेरी ट्रेन जो कि करनी है एक दूजे नू कर जानी है यह पार। ठीक है जी, तो अप्रोक्सीमेट इन्ने समय दे विच की कर जानगियां इन्हों एक दूसरे नू पार कर जानगियां। हालांकि मेरे तो एक छोटी जी गड़बड़ होगी, क्वेश्चन दे विच सीगा 42,
ते जो 42 दे नाल आपां कढ़ांगे तां तुहाडी 30 प्लस 42 किन्ना हो जूगा इत्थे 72 बस 75 दी जगह की आ जाऊंगा 72 ते इधर पूरा कटे जाना सी ठीक है ते जो इत्थे की हुंदा मेरा 42 हुंदा सारा क्वेश्चन सेम सी बस 72 दी जगह लगाना सी मैंने 75 लगाता 18 चौके 72 तो यह मेरा बी आ गया सी तो 240 नूं बी नाल जदों आपां डिवाइड करांगे तो पूरे 12 सैकेंड्स आ जाने सी ठीक है पर 45 दे नाल आ गए मेरे 11.4 क्वेश्चन सही है बस थोड़ी जिहा कैलकुलेशन अपना नॉट कैलकुलेशन अपना इत्थे प्रॉब्लम आ गई सी 42 सी मैं तो 45 लिख आ गया ठीक है तो 45 आ जाऊगा तो तुहाडा आंसर 11.4 होगा ते जे इत्थे की होगा जी अपना 42 होगा तो 12 सैकेंड दे विच पार हो जाएगा ठीक है दोबारा देख लें भी जे अपना की हो जाएगा इत्थे 12 सैकेंड अपना की होगा जी 42 किलोमीटर की स्पीड होगी तो आंसर की होगा हूँ 11.4 आया सो 45 की स्पीड देना ठीक है दूरी तो वही सेम ही पार करनी है 240 पार करनी है तो स्पीड भी की ने एक दूजे के ओपोजिट ने 240 मीटर की करनी है दूरी तय करनी है एक दूसरे के उल्ट दिशा से जा रही है स्पीड्स की हो गई मेरी प्लस हूँ इतने कर लें 42 तो दूरी की हो जूगी 30 प्लस 42 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सैकेंड से चेंज करूंगी तो 5/18 के नाल गुणा करना पड़ेगा तो मतलब की आ गया मेरा 20 मीटर पर सैकेंड ठीक है दूरी दिखती है जी अपन चाल पता कढ़ना की है टाइम तो टाइम की होंगे डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस पार कितना करना 240 स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड तो मेरा समय निकल के आया 12 सेकंड ठीक है जी तो ये द सॉल्यूशन इससे बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल 100 मीटर लंबी ट्रेन एक है 120 मीटर लंबी ट्रेन दोनों समांतर पटरियां दे उत्ते की जा रही ने चल रही ने एको दिशा दे विच एक दी स्पीड है 72 ते दूसरी दी स्पीड है 54 कहने मिलन तो बात की करनी है एक दूसरे नु किन्ने समय दे बाद की कर जानी है जी ये पार कर जानी है मिलन तो बाद किन्ने समय दे विच की करनी है एक दूजे नु पार करनी है हुण एक ट्रेन दी लंबाई है एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 100 मीटर ठीक है 100 मीटर वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड गिवन है जी अपन 72 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा ते दूसरी जो मेरी ट्रेन है उसकी लंबाई गिवन है अपन 120 मीटर ते चाल है 54 किलोमीटर स्पीड है उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हूँ दोनों चीजें सेम डायरेक्शन से जा रही है ने जो सेम डायरेक्शन से जा रही है तो रिलेटिव स्पीड की होगी ना दी माइनस हो जाएगी ठीक है पर डिस्टेंस की होगा प्लस हो जाएगा क्योंकि पार तो इन्होंने एक दूसरे में करना तो जब एक दूसरे में पार करना तो डिस्टेंस की हो गया मेरा प्लस हो जाएगा दूरी की हो जाएगी जी जुड़ जूगी 100 प्लस 120 कितना हो गया अपना 220 मीटर की दूरी में तय करनी है ते दोनों चीजें सेम डायरेक्शन से जा रही है नहीं तो मेरी रिलेटिव स्पीड कह लो या चाल की निकल के आऊगी यह दोनों आपस में माइनस हो जानी है ते जदों ये माइनस होनी है तो कितना आ जाऊगा जी अपना 18 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है रिलेटिव स्पीड निकल के आई अपनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा चलो हुण एक किलोमीटर दे विच है जी तो इन्हें मीटर पर सैकेंड दे विच बदलांगे जो मीटर पर सैकेंड से बदलना तो गुणा कितने नाल करना पौगा 5/18 दे नाल 18 दे नाल 18 कैंसिल यानी कि मेरा जो कि आया स्पीड की निकल के आई 5 मीटर पर सेकंड मेरे को समा आ गया सॉरी चाल आ गई मेरे को डिस्टेंस भी है ते मैं कढ़ना टाइम किन्ने समय से एक दूसरे में पार कर जानी है यानी कि टाइम कढ़ना तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाऊगा टाइम अपना कढ़ना तो स्पीड है जी 220 सॉरी डिस्टेंस है 220 तो स्पीड है 5 इससे बाद जो इन कैलकुलेट करांगे तो आ जाऊगा मेरा 44 सैकेंड तो 44 सैकेंड की करनी है एक दूसरे को पार कर जाएंगे ठीक है जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 किलोमीटर की चाल के जा रही एक रेलगड्डी 20 सैकेंड प्लेटफॉर्म पार कर जाती है
ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 54 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 20 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਖੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ। ਚੁਰੰਜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਚੁਰੰਜਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖੁਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ? ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸੋਰੀ ਜੁੜ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ? ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ 0 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸਨੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ? ਮਾਈਨਸ 54 ਮਾਈਨਸ 6 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਚਲੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 9, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 24, 12 ਨੋਟ 12, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਂਸਲ 3, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 8, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 40/3। ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ? 40/3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਨੇ? ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ 160 ਮੀਟਰ। 160 ਮੀਟਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ?
जो इसने पार करना है एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में जो पार करूगी तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करू। ठीक है, हुण इधर ध्यान दो, 20 सेकंड की किया जी, इसने प्लेटफॉर्म खुद की लंबाई पार किया। ठीक है, तो इतने 12 सेकंड इसने खुद की लंबाई पार किया, यानी कि फिर जो थोड़ा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म फिर की होगा जी, इतने इसको जरा कि 8 सेकंड ही पार कर जूगी खुद की लंबाई में, जो 12 सेकंड पार कर रही है तो इतने फिर की हो जूगा, वो खुद प्लेटफॉर्म किन्ने समय पार करूगी, वो 8 सेकंड ही पार कर रही है, तो खुद को किन्ने सैकंड पार कर रही है, 12 पार कर रही है। ठीक है, तो इसमें आप किस तरीके के नाल कैलकुलेट करेंगे जी, ज्यादा इसमें तुम डायरेक्ट ही कट सकते हो भी 12 160 हो रहा है तो 8 कि होगा, नहीं फिर इसनू कैलकुलेट करने के लिए हुण आपां करना पएगा, जदों इह प्लेटफॉर्म नूं पार कर रही है तो हुण इसकी लंबाई का आपां पता चल गई 160 है, तो इत्थे एक्स कंसीडर कर लैंदे आ आपां प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है जी, किन्ने समय दे विच, अच्छा 40 दी की है जी, इह हैगे अपना डिस्टेंस, स्पीड की रही सी जी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसनूं फिर 5/18 दे नाल करना पैणा क्योंकि मीटर पर सैकंड कि समय च पार कर रही थी, 20 सैकंड पार कर रही थी। ठीक है जी, तो इसमें कटिया आ गया अपना 3, इधर आ जाएगा 15 गुणा 20 कि हो गया मेरा 300, आ 160 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो थोड़ी ट्रेन की जो लंबाई कि निकल के आ गई 140। ठीक है जी, तो ट्रेन की अपनी जो लंबाई है वह कि निकल के आई 140 मीटर, सॉरी ट्रेन की लंबाई नहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कि निकल के आ गई जी अपनी 140 मीटर का। ठीक है, यस 140, ट्रेन की खुद की लंबाई होगी 160 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की मेरी लंबाई कि निकल के आई 140 मीटर। ठीक है जी, की कहता से अपने आपू ट्रेन की लंबाई पता करने क्या हो प्लेटफॉर्म की, दोनों की लंबाई पार करना से। ठीक है, तो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म में पार करूगी तो ट्रेन की लंबाई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की जुड़ूगी, तो दोनों ही आपको गिवन नहीं सी, तो सब तो पहला मैंने की किया जी, मतलब कि जो वो एक आदमी पार करूगी, जो आदमी पार करूगी तो खुद की लंबाई में पार करूगी, तो आदमी जो कि उस दिशा में जा रहा है तो मेरा इतने मैंने स्पीड की करना पाया माइनस। ठीक है, इतने मैंने दिता हुआ भी जो आदमी पार कर रही है एक तो 12 सैकंड की कर रही है जी, आदमी पार कर रही है, तो जो आदमी ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे तो इतने रैलेटिव स्पीड होगी सी 48, यानी कि इतने मैं स्पीड ते जो समा दोनों चीजा दिखा हुई सी, तो इतने स्पीड के समय तो मैंने कड ली लंबाई, कि लंबाई ट्रेन की लंबाई, क्योंकि जो बंदे पार करूगी तो खुद की लंबाई पार करूगी। ठीक है, 48 तो यू की हो गया, मेरे को समय है, मेरे को स्पीड है, स्पीड तो समय में गुणा करके निकलता हूं डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन की लंबाई, तो यू कैलकुलेट करके आ गया से जी अपना 160, ट्रेन की लंबाई पता चली अपना 160। ठीक है, उसके बाद जो ये प्लेटफॉर्म पार करूगी, कहते प्लेटफॉर्म पार कर लगे से स्पीड है 54, इतने थोड़ा ये चीज नहीं हो पाऊगी बी दे विचों माइनस करके, क्योंकि ये जो है ओपोजिट डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन से चीजा जा रही ने। ठीक है जी, तो फिर इतने जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पार करूगी तो इतने इसकी स्पीड कितनी है 54। ठीक है, तो इन्हें फिर मीटर पर सैकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कहते प्लेटफॉर्म पार कर रही है 20 सैकंड, 20 सैकंड इसको कैलकुलेट करके ट्रेन की खुद की लंबाई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इतों निकले, ट्रेन की लंबाई अपनी 160 आप ऑलरेडी पहले स्टेप किया, तो फिर इधर आ गया जी कैलकुलेट करके 15 गुणा 20 300, ये प्लस वाला इधर आके हो गया माइनस, तो इतों निकले ही अपनी प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 140 मीटर का मेरा है प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, तो यह अपना अज का लैक्चर जो सी ट्रेन प्रॉब्लम्स के उत्ते बेस। ठीक है, ऑलमोस्ट अपना हो चुके, बस एक अद्धा क्वेश्चन इसका होर पेंडिंग है, उसनों अपन नैक्सट लैक्चर करा, तो टाइम एंड स्पीड भी नैक्सट लैक्चर के होजूगा कंप्लीट होजूगा। ठीक है जी, तो फिर अज लिए इन्ना ही, धन्यवाद।